हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन इज आल्सो नोन एज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जो पॉपुलेशन के मेजरमेंट करते हैं और साथ में जो पॉपुलेशन अलग अलग एज ग्रुप्स के जो पॉपुलेशन हैं उनके हम डिफरेंशिएशन को देखते हैं। तो जो भी वर्क हम पॉपुलेशन मेजरमेंट का और पॉपुलेशन जो अलग अलग एज ग्रुप उनका जो डिफरेंशिएशन देखते हैं, वो वर्क हमारा किस में होता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन में होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन के जो हमारे कंपोनेंट देख लेते हैं हम इसमें। कंपोनेंट्स में फर्स्ट हम इसमें बताएंगे सेक्स कंपोजिशन, सेकंड एज स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज लिटरेसी, फोर्थ इज एजुकेशन, एंड फिफ्थ इज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एंड सिक्स्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेवंथ इज ऑक्यूपेशन। ये हम बात करें कंपोनेंट्स की, कि पॉपुलेशन कंपोजिशन के कंपोनेंट्स के। सेक्स कंपोजिशन में हम क्या देखते हैं कि कौन कौन से सेक्स होते हैं, जैसे फीमेल एंड मेल, हम इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो उनके जो डिफरेंशिएशन देखते हैं वो हम किस में देखते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन में। एज स्ट्रक्चर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट आते हैं चिल्ड्रंस जो होते हैं 0 to 14 ईयर्स के। सेकेंड एज ग्रुप में हमारे आते हैं 15 to 59, जिनको हम एडल्ट्स बोल सकते हैं। और थर्ड में हमारे आते हैं ओल्ड एज्ड, या हम उनको एज्ड पर्सन्स भी बोल सकते हैं। तो हम इनका जो डिफरेंशिएशन देखते हैं वो भी हमारे कंपोनेंट आते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के। लिटरेसी में हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन लिटरेट और इलिटरेट के उनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। एजुकेशन में भी वही सेम देखते हैं हम, कि कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो एजुकेशन की हाईएस्ट एजुकेशन की कैटेगरी में आती है या लोवेस्ट एजुकेशन कैटेगरी में आती है, उनको हम डिसाइड करते हैं किससे, एजुकेशन से। प्लेस ऑफ रेजिडेंस को भी हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रूरल और अर्बन, कि कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो रूरल एरियाज में रहती है और कितनी ऐसी जो अर्बन एरियाज में रहती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इसमें जो एक मेन रोल प्ले करती है पॉपुलेशन कंपोजिशन में, वो कैसे, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही डिसाइड करती है कि एज स्ट्रक्चर कितना बनेगा किसी भी एरिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन में भी वही है कि कुछ रूरल और अर्बन एरियाज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन बेस पे जैसे डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, मेनली जो हमारी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें क्या होती है कि जो पॉपुलेशन होती है वो अर्बन एरियाज से ज़्यादा होती हैं, यानी कि वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवाइड करते हैं तो अर्बन एरियाज में ज़्यादा मिलती हैं। जबकि जो हमारी एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं, मेनली जैसे उनमें इंडिया भी आता है, तो उनमें रूरल जो एज है, यानी कि ऑक्यूपेशन बेस पे रूरल एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ करती हैं। और ये अर्बन में जो होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं करती, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में जो कोरिलेट होती हैं। तो ये हम जो कंपोनेंट की नीड क्यों होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन में जो नीड क्यों होती है हमें किसी भी कंपोनेंट्स की, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर के लिए कोई एजेंडा तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पॉपुलेशन कंपोजिशन के कंपोनेंट्स की। तो ये इसकी नीड को शो करते हैं। सेक्स कंपोजिशन इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमन एंड मैन इन द पॉपुलेशन। कि जो भी हम रेशियो देखते हैं वुमन और जो मैन होते हैं उनके पॉपुलेशन में, तो वही रेशियो हमारा सेक्स रेशियो है, सेक्स कंपोजिशन कहलाता है। उसको मीजर करते हैं अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में इसको मीजरमेंट होता है कैसे, इंडिया इसको मीजर करता है कि फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। इंडिया में कैसे बता रहे हैं कि फीमेल पॉपुलेशन, यानी कि हम बता सकते हैं द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज नोन एज सेक्स कंपोजिशन और सेक्स रेशियो इन इंडिया। एंड वर्ल्ड और जो अदर कंट्रीज हैं उनमें कैसे शो करते हैं इसको, उसमें होता है मेल, इसके अपोजिट हो जाता है मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। तो कैसे बता सकते हैं द नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल नोन एज पॉपुलेशन सेक्स कंपोजिशन इन वर्ल्ड,
यानी कि ये सेक्स रेशियो डिफाइन करते हैं हम, कि कैसे हम सेक्स रेशियो निकालेंगे, पर 1000 फीमेल पे कितने मेल्स हैं और पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स होती हैं। तो ये इनको शो करने के अलग अलग तरीके होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आगे जो अदर जो कंट्रीज हैं हमारी, जैसे फेवरेबल और अनफेवरेबल सेक्स होता है। फेवरेबल सेक्स कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर वुमन्स की जो सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हाई स्टैंडर्ड का होता है, उनको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ पे फेवरेबल सेक्स मिलेगा उनका। लेकिन अदर हैंड में हम क्या देखते हैं कि वो कंट्रीज जहाँ पे जो डिस्टिंग्विश होता है दोनों में, फीमेल और मेल में, रैम्पेंट होता है, यानी कि वहाँ पे उनमें भेदभाव ज़्यादा किया जाता है, और उनके जो सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है फीमेल्स का, वो मेल्स के बजाय डाउन होता है, तो वहाँ पे अनफेवरेबल सेक्स मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, कि सेक्स रेशियो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में हमें अलग अलग ही मिलता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 2011 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो था वो कितना था, 940 फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि यहाँ पे जो मेल्स की संख्या थी वो कितनी थी, 1000, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की संख्या है वो कितनी है, 940। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड की हम कितनी बता सकते हैं, वर्ल्ड में यहाँ पे आती है 990 फीमेल पर 1000 मेल, ये वर्ल्ड का सेक्स रेशियो है। जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में सेक्स रेशियो मिलता है, वो हमें मिलता है लेटविया में, यूरोप की कंट्री है लेटविया, यहाँ पे हमें मिलता है 1187 फीमेल पर 1000 मेल, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कि मेल की संख्या यहाँ पे 1000 है और जो फीमेल्स हैं वो कितनी है, 1187, यानी कि जो हम यहाँ पे इनमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे कम, यानी कि सेक्स रेशियो वर्ल्ड में सबसे कम है, वो जगह है यूएई, यहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो मिलता है ओनली ऑन 468 फीमेल पर 1000 मेल, तो ये सबसे कम है। अब हम इससे क्या पता चलता है कि जहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि फीमेल की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके कारण हो सकते हैं। उसमें हम एक तो मेनली क्या देखते हैं कि जो हमने पहले बात की थी कि उनका सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईएस्ट होता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, एजुकेटेड होती हैं, तो उनके साथ जो भेदभाव होता है वो भी कम होता है। तो एक जो मेन पॉइंट बनता है यहाँ पे कि जो उनकी पॉपुलेशन, यानी कि जो सेक्स रेशियो है फीमेल का, उसको अप करता है। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो, मतलब मान सकते हैं हम उसको, कि कई बार क्या होता है कि जो एक एरिया है वहाँ पे फीमेल की संख्या ज़्यादा है मेल के बजाय, तो उसका कारण हो सकता है कि मेल माइग्रेट कर गए, यानी कि पास्ट का जो टाइम था उसमें मेल्स ने माइग्रेट कर दिया, वो किसी अदर कंट्री में या किसी दूसरी जगह पर चले गए, जिससे भी क्या हो गया कि वहाँ पर जो सेक्स रेशियो है, यानी कि वुमन्स की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये बात कर रहे थे हम सेक्स रेशियो पॉपुलेशन कंपोजिशन के, सेक्स कंपोजिशन में। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, बिकॉज इट प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट एज ग्रुप्स, कि हमें यहाँ पर अलग अलग जो एज ग्रुप्स हैं उनके बारे में पता चलता है। तो फर्स्टली हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आते चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन को हम क्या कहेंगे, 0 to 14 ईयर्स, एज ग्रुप क्या बताया हमने यहाँ पे, 0 to 14 ईयर्स के, इसको हम क्या बता सकते हैं कि ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वर्क तो इतना करते नहीं हैं, ये एज ग्रुप यानी कि 0 to 14 ईयर्स में जो भी आते हैं बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, कोई वर्किंग नहीं करते। एक जो अलग कारण मिलता है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि चिल्ड्रन, यानी कि जो 0 to 14 ईयर्स की जो एज ग्रुप ज़्यादा मिलती है, उसका कारण होता है हाई बर्थ रेट, कि जिन कंट्रीज में हाई बर्थ रेट होता है वहाँ पर भी हमें एज ग्रुप 0 to 14 ईयर्स के ज़्यादा मिलते हैं। जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे हाई बर्थ रेट मिलती है, और जो पॉपुलेशन के जो पॉपुलेशन पिरामिड्स बनाते हैं उनमें भी 0 to 14 ईयर्स की ज़्यादा होती है इस ग्रुप में, और जो कि हाईली डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आती है। नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं एडल्ट्स। एडल्ट्स को हम बता सकते हैं 15 to 59, यानी कि एज ग्रुप यहाँ पे हम कितना बता रहे हैं, 15 ईयर्स to 59 ईयर्स के, ये इसको हम क्या बता सकते हैं, हाई वर्किंग पॉपुलेशन।
वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वर्क करते हैं, इसमें हम यही देखते हैं। जो भी यहाँ पे हम एक देखते हैं हाई वर्किंग पॉपुलेशन, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वर्क ज्यादा करते हैं, एडल्ट्स में आती हैं। और जिस भी कंट्रीज में एडल्ट्स यानी कि जो 15 to 59 की एज ग्रुप ज्यादा मिलती है, वहां पर जो डेवलपमेंट भी हम ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप के पॉपुलेशन ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट पे हमारे आते हैं एज्ड, एज्ड में हमारे आते हैं 60 एंड अबोव, कि 60 और 60 से जो ऊपर की जो पॉपुलेशन होती है वो हमारी आती है एज्ड पॉपुलेशन ग्रुप में। ये इसको हम क्या कह सकते हैं, हाई एक्सपेंडिचर इन हेल्थ केयर। ये जितना भी जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं या कोई भी जो देते हैं, भी उनकी हेल्थ केयर पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है जो हमारे एज्ड ग्रुप में आते हैं। जहाँ पर ये हम देखते हैं कि जहाँ पे एज्ड ग्रुप कहाँ मिलेगा, एक तो होता है कि जहाँ पर हम देखेंगे जहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज़्यादा होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जैसे यूएसए की बात कर सकते हैं हम, जापान की, कनाडा, तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें एज्ड ग्रुप यानी कि 60 एंड 60 से अबोव की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और उनका जो मेनली जो फोकस होता है, हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट होते हैं ये भी हैं, बट इनमें जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया जाता है इसमें हेल्थ केयर पर, जो हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इस एज ग्रुप में वो ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है किसी भी कंट्री के द्वारा। तो ये हमने बात की एज ग्रुप की। लिटरेसी, लिटरेसी यानी कि किसी भी एरिया के या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो सोशली डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, वहाँ पे पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट हो, सभी के लिए ज़रूरी है लिटरेसी। यानी कि जो भी लिटरेट होते हैं वही उन पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं तो उनको समझ पाते हैं। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि जो लिटरेसी है वो किसी भी सोसाइटी की पॉलिसीज और उनके जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज हैं, उनके लिए उनके कारण और परिणाम दोनों होती है लिटरेसी। तो वो हम बात करते हैं लिटरेसी यानी कि लिटरेसी रेट इंडिया में कैसे शो करते हैं हम, कि जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होनी चाहिए, कि एक तो होते हैं 7 ईयर्स से अबो होनी चाहिए, जो एज ग्रुप होना हो चाहिए वो कितना होता है 7 ईयर से अबो हो, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया है कि जो कंडीशन हमें क्या देखनी है, उसमें फर्स्ट हमारी आती है रीड, कि वो जो भी एज ग्रुप यानी कि 7 ईयर से अबो है वो एबल होने चाहिए किसमें, रीड। सेकेंड आता है राइट, कि वो उन लोगों को रीड और राइट करने आते हैं। और साथ ही साथ हम थर्ड पॉइंट इसमें बता सकते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन, कि यहाँ पे हमने बताया कि रीड करने में यानी कि उनकी सक्षमता किस किस में होनी चाहिए, रीड करना आता हो, राइट कर सकते हो, और अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग, कि अंडरस्टैंड कर सकते हो, अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो अच्छे से कर सकते हो, तो उस पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे, लिटरेट पॉपुलेशन। यानी कि वो लिटरेसी रेट हम शो करते हैं इंडिया में अबोव 7 ईयर होनी चाहिए, और ये तीनों कंडीशंस अगर वो शो करते हैं तो वो लिटरेट पॉपुलेशन में आते हैं। तो ये हमने बात की पॉपुलेशन कंपोजिशन की और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एज सेक्स पिरामिड की। एज सेक्स पिरामिड का भी जो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किसी भी जो अलग अलग एज ग्रुप्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, उनके भी हमें डिफ्रेंसिएशन दिखाई देता है। तो इसलिए हम अब शो करने वाले हैं एज सेक्स पिरामिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एज सेक्स पिरामिड। द एज सेक्स पिरामिड जो स्ट्रक्चर होता है इसमें पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, कि इसमें जो अलग अलग एज ग्रुप्स की जो पॉपुलेशन होती है यानी कि फीमेल्स होते हैं और मेल्स होते हैं उनके हमें पता चलता है। सेकेंड पॉइंट इसमें है द पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑन द पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन का एज योर सेक्स स्ट्रक्चर है कि हमें उसमें एज का भी पता चलता है कि किस एज ग्रुप में है, यंगर हैं या ओल्डेस्ट हैं, और साथ ही साथ उनके सेक्स का कि फीमेल हैं या मेल हैं उसका हमें पता चलता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज द बेस बार रिप्रेजेंट द यंगेस्ट एंड द एपेक्स बार रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट एज ग्रुप्स, कि जो कि हमें पता ही है कि जब भी हम पिरामिड्स देखते हैं जो एज सेक्स पिरामिड होते हैं उसमें जो बेस होता है यानी कि जो बेस पॉइंट्स होते हैं उनमें यंगेस्ट जो पॉपुलेशन होती है उनको शो करते हैं, और जो उसके एपेक्स बार होते हैं यानी कि जो टॉप पे हमें दिखाई देते हैं वो उसकी ओल्डेस्ट एज ग्रुप्स को शो करते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द शेप ऑफ द पिरामिड थ्रोज लाइट ऑन द हिस्ट्री एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो हमें पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स और जो हिस्ट्री है कि किस टाइम पीरियड पे कितनी पॉपुलेशन रही, मेल्स की कितनी थी, फीमेल्स की कितनी थी, उन सभी के बारे में हमें एज सेक्स पिरामिड से ही पता चलता है।
पॉपुलेशन परमिट्स जो भी होते हैं वो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए होते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की। हैव अ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर विद अ ब्रॉड बेस एंड ऑफ यंग एंड द स्मॉल एपेक्स ऑफ ओल्ड। कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जिसमें बेस जो होते हैं, बेस बार्स में यंगेस्ट होती है वो ज़्यादा होती पॉपुलेशन, ऐसे ही जब हम एपेक्स पे जाते हैं तो वो पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इस टाइप का पिरामिड उन देशों में मिलता है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मिलती है, यानी कि हम उसको बता सकते हैं कि जो एनुअल ग्रोथ रेट होती है वो अबाउट 2.1% होती है। उसके कारण होते हैं कि हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट्स एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये इसके मेन पॉइंट होते हैं कि जहाँ पर हमें जो लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस टाइप के पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि फिगर आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रायंगुलर शेप है, यानी कि हम इसको बता सकते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन भी बता सकते हैं, कि जिसमें बेस बार्स ज़्यादा फैले हुए हैं, कि यंगेस्ट जो पॉपुलेशन उनकी जो संख्या होती वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ते जाते हैं, यानी कि एज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ही जो इसकी शेप है वो भी कम होती जा रही है। तो ये हम ट्रायंगुलर शेप भी बता सकते हैं, इसको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन शेप भी बता सकते हैं, जो कि हमें लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक नाइजीरिया एंड अफ्रीका एंड द एज सेक्स पिरामिड ऑफ अदर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, मैक्सिको, पाकिस्तान, तो इस टाइप के जो भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे हम देखते हैं हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो लेवल पे हैं, उन स्टेट्स में हमें एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इस टाइप को हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन या रैपिड ग्रोथ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो एज सेक्स पिरामिड देखने को मिलते हैं उसके बारे में। द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग मोर स्लोली, कि जहाँ की एनुअल ग्रोथ रेट 1% होती है उन कंट्रीज़ में, या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें हमें कैसी दिखने मिलती है, कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन, कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन या स्लो ग्रोथ भी हम इसको बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाज एज सेक्स पिरामिड इज़ बेल शेप्ड एंड टैपरेड टुवर्ड्स द टॉप। जो इस टाइप के जो भी होते हैं वो बर्थ और डेथ रेट्स जहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं वहाँ पे हमें किस तरह के मिलते हैं, कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और इसी तरह का जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह के जो एज सेक्स कर जो पिरामिड बनाते हैं, दिस पॉपुलेशन हैव लोअर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड मोर ओल्डर पीपल। दिस हैज़ बीन कॉज्ड बाय लोअर बर्थ रेट्स, लोअर डेथ रेट एंड मच हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो इक्वल होते हैं, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट अगर इक्वल हैं, या फिर हम उसमें बता सकते हैं दोनों ही लो लेवल पे हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो हायर है, तो वहाँ पर हमें कैसे मिलते हैं, कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर हम एक पॉइंट और भी नोट कर सकते हैं कि वो है ओल्डर एज ग्रुप में फीमेल्स पॉपुलेशन ज़्यादा है मेल पॉपुलेशन से। थर्ड टाइप में हम बता सकते हैं डेक्लाइंग पॉपुलेशन। डेक्लाइंग पॉपुलेशन में हम नेगेटिव ग्रोथ भी बता सकते हैं, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ कैसे होती है, इस टाइप के जो पॉपुलेशन ग्राफ है उन कंट्रीज़ का होता है जहाँ पर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, नेगेटिव ग्रोथ होती है, लाइक जर्मनी एंड जापान, इसको हम बोलते हैं डेक्लाइंग पॉपुलेशन। दिस टाइप ऑफ पिरामिड हैविंग ए नैरो बेस एंड टैपरेड टॉप विद बल्गिंग इन द मिडल शोज लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स। कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल लो लेवल पे होती हैं। दिस टाइप ऑफ पिरामिड डिपिक्ट्स ऑफ द डेक्लाइन पॉपुलेशन, कि किसको शो करते हैं, डेक्लाइन पॉपुलेशन को। इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, कि ये इंडिकेशन है, यानी कि हम जो इस टाइप की जो फिगर दिखाई देती है वो कहाँ पे दिखाई देती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम बता सकते हैं जापान। एंड नाउ वी डिस्कस द रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन। प्लेस ऑफ रेजिडेंसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में, यानी कि ऑल कंट्रीज़ डिवाइडेड द पॉपुलेशन इन अर्बन एंड रूरल, कि उनके जो रेजिडेंस के अकॉर्डिंग हम उनको बता सकते हैं कि रूरल है या अर्बन है। द पॉपुलेशन लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज़ आर कॉल्ड अर्बन पॉपुलेशन, वेयर एज दैट लिविंग इन विलेज इज़ नोन एज रूरल पॉपुलेशन। ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि रूरल और अर्बन का लाइफस्टाइल और उनके लाइवलीहुड और जो सोशल कंडीशंस हैं वो अलग अलग होती हैं। इस टाइप में हम बता सकते हैं इसमें लाइफस्टाइल, लाइवलीहुड, सोशल कंडीशन, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रूरल और जो अर्बन पॉपुलेशन है उनमें डिफ्रेंशिएशन बताती हैं।
रूरल पॉपुलेशन जिसको हम किसको कह सकते हैं, एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा वर्क जो करते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री जो वर्क होते हैं, फिशिंग माइनिंग का जो वर्क होता है, वो सभी रूरल एरियाज़ में कर सकते हैं। तो जो ऑक्यूपेशनल यानी कि जो ये वर्क करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, रूरल पॉपुलेशन। इसके जो विपरीत हम देखते हैं उसमें क्या देखते हैं कि जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि ट्रेड ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज जो होती हैं, वो हमारी सभी किस में आती, अर्बन पॉपुलेशन में, यानी कि जो वर्क हमारे सेकेंडरी टर्शरी क्वेटनरी क्वेंडरी एक्टिविटीज़ से जो रिलेटेड होते हैं, वो जो भी वर्क करते हैं वो सभी हमारे किस में आते हैं, अर्बन पॉपुलेशन में, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन है जो इन वर्क को करती है, इन कार्यों में लगी हुई है। अब जो आपको फिगर दिखाई दे रही है इसमें हम देख रहे हैं कि जिम्बाब्वे एंड नेपाल की जो टू कंट्रीज़ बताई गई हैं, इनमें रूरल जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है, यानी कि ऑक्यूपेशन बेस पे अगर जो पॉपुलेशन के डिवीज़न हम देखते हैं तो वो नेपाल और जिम्बाब्वे का ऐसा है जिनमें रूरल एरियाज़ में वर्क या एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मिलते हैं, और कैनेडा ब्राज़ील फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इनमें रूरल जो सॉरी जो अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि अर्बन जो स्ट्रक्चर है, ऑक्यूपेशन जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा दिखाया गया है, यानी कि सेक्स कंपोजिशन इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि जो वर्क कर रहे हैं वो अर्बन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन लगी हुई वो ज़्यादा बता सकते हैं हम इसमें, बजाय किसके, नेपाल और जिम्बाब्वे के, उनमें रूरल एरियाज़ में ज़्यादा वर्क होता है। वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो फीमेल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मिलती है, जबकि जो हमारी नेपाल इंडिया और पाकिस्तान इस टाइप के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा मिलती है। कनाडा एंड जो यूएसए यानी कि अमेरिका है, वहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन फीमेल्स की ज़्यादा है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल जो वर्क होता है, प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती है वो मोस्टली मशीन से होती है, तो वहाँ पे जो वर्क करते हैं वो मेल्स ज़्यादा करते हैं, फीमेल नहीं करते। तो वहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ में वहाँ फीमेल्स ज़्यादा मिलती हैं और रूरल एरियाज़ में मेल्स पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अपोजिट इंडिया में हम देखते हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं जो एग्रीकल्चरल वर्क करती हैं तो वहाँ पर फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है उनका, और जो अर्बन एरियाज़ में यानी कि वहाँ पर उनकी जो वो पॉपुलेशन है वो देखने को कम मिलती है। उसके कारण है शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, और जो सिक्योरिटी है वो सिटीज़ में कम मिलती है फीमेल्स को, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ में ही रहती हैं, और जो माइग्रेशन को यानी कि रूरल से अर्बन एरियाज़ फीमेल के माइग्रेशन को कम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, और अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।